अभी आरंभ कर सकते हैं। आरंभ करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बंते विमलोरम सी द्वारा सिखाई गई मंगल मैत्री साधना करेंगे। तो ये साधना करने का तरीका मैं बताऊंगा। इस साधना को हमने, जैसे मैं आपको इसके करने का तरीका बताऊंगा, आपको बिल्कुल उस तरीके से करना है जिसको पहले और किसी साधना की आदत हो, अभ्यास किया हो, तो वो अभी इस सत्र के लिए छोड़कर जिस तरीके से मैं बताऊं उसी तरीके से साधना करेंगे। तो सबसे पहले अभी जैसे आप बैठे हैं, सबको हमने अपनी पीठ सीधी रखनी है। जमीन पर या गद्दे पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि शारीरिक दर्द से हमारे साधना में, हमारे अभ्यास में और दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए जरूरी है कि आप एक आरामदायक आसन में बैठें। पीठ को सीधा रखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़े आराम से सीधा रखना है। ज़्यादा आप पीछे की तरफ अकड़ के बैठेंगे तो थोड़ी देर में कंधे का दर्द शुरू होगा। अगर आप बहुत ढीला छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में आपकी गर्दन खुद आगे झुक जाएगी, थोड़ी नींद आने लगेगी, आलस होने लगेगा। तो इस तरीके से हमने बैठना है। अभ्यास के दौरान बिल्कुल हमने हिलना नहीं है, ये बहुत जरूरी सूचना है कि अभ्यास के समय हमने बिल्कुल हिलना नहीं है। और कोई अगर कहीं दर्द उठता है या कहीं खुजली होती है या खराश होती है, तो बाकी जो अड़चनें आती हैं हमारी साधना में, उसी तरह उसके साथ भी हम पेश आएंगे। तो इस साधना की शुरुआत ऐसे करेंगे हम बैठ के। पहले मुस्कुराना इस साधना का बहुत अहम हिस्सा है, तो एक मुस्कान लाएंगे अपने चेहरे पे। ऐसा एक प्रसंग याद करेंगे हमारी जिंदगी में जब हमें बहुत सुख, बहुत आनंद का एहसास हुआ हो। ये जब प्रसंग याद करेंगे तो उस समय जैसे हमें लगा था, जैसी जैसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था, वैसा भाव लेकर हम अपने हृदय में लेकर आएंगे। हृदय के केंद्र में इस भाव को रखकर पहले 10 मिनट हम ये भाव अपने आप को भेजेंगे। हम अपने लिए कामना करेंगे कि मैं खुशी रहूं, खुश रहूं, सुखी रहूं, शांत रहूं, संतुष्ट रहूं। इसका अर्थ यह है कि उस समय जो प्रसंग हम याद कर रहे हैं, उस समय जो भाव हमारे दिल में उत्पन्न हुआ था कि हमें किसी चीज से कोई शिकायत नहीं थी, खुशी थी, आनंद था, मन में शांति थी, वही भाव पहले हम उस प्रसंग को याद कर अपने हृदय में लाएंगे और उसी भाव की कामना अपने आप को करेंगे। मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, संतुष्ट रहूं, आपको जैसे ठीक लगे ये कामना आप कर सकते हैं। इसको मंत्र की तरह बार बार नहीं बोलना है, ये सिर्फ एक जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो एक ये कामना भेजने की, बस वही आप कहकर निर्णय ले रहे हैं कि ये कामना मैं अपने आप को भेज। 10 मिनट के बाद आप एक आध्यात्मिक मित्र या कल्याण मित्र एक चुनेंगे। ये आपकी पूरी साधना में इनको बदलेंगे नहीं, एक ही आध्यात्मिक मित्र को लेकर चलेंगे। ये आध्यात्मिक मित्र ऐसा हो जो कि जीवित हो, आपके परिवार का सदस्य ना हो, आपके ऐसा कोई हो जिसके लिए आपको कोई शारीरिक आकर्षण पैदा होने की संभावना ना हो, इससे और ऐसा हो जिसके लिए जो आपका भी भला हमेशा चाहते हो और जिनका भला चाहने में आपको कोई झिझक ना हो, ऐसा एक आध्यात्मिक मित्र। अभी जो पहली बार ये साधना कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि अभी साधना शुरू करने के पहले
आप ये मित्र चुन लें जिनको आप, तो 10 मिनट अपने आप को मंगल मैत्री की भावना ये भेजने के बाद आप अपने आध्यात्मिक मित्र को यही भावना भेजें कि आप खुश खुश रहें, आप सुखी रहें, आप संतुष्ट रहें, आप शांतिपूर्वक रहें। ये जो भाव हमने एक हमारे अतीत में एक प्रसंग चुनकर जो भाव हमने याद किया था, जो हमने अपने आप को भेजा था, वही भाव अब हम अपने मित्र को भेजेंगे। ये अगले 20 मिनट के लिए करेंगे। अब जैसे ही हम शुरू करते हैं ऐसा भाव भेजना, थोड़ी ही देर में हमारा मन भटक जाएगा, हमारा ध्यान किसी और विचार में चले जाएगा। या तो कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई खुजली, खराश, खिंचाव, तनाव, कुछ ऐसे चीजों पर हमारा ध्यान जा सकता है, या कोई काम से या निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग याद आ सकता है। कोई बहुत सारी चीजें हैं, हम सबको पता है कि हमारा ध्यान कैसे एक चीज से दूसरी चीज पर जाते रहता है। तो जैसे ही हमारा मन भटकेगा तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको अंग्रेजी में 6 आर्स कहते हैं हम, पर ये 6 स्टेप हमने नियमित तरीके से, ये 6 स्टेप करके हमने अपने ध्यान को वापस लेकर आना है मंगल मैत्री की भावना। सबसे पहला है पहचानना कि मेरा ध्यान भटक गया है, इसको रिकग्नाइज स्टेप कहते हैं। दूसरा, हमने उस भावना को, उस विचार को छोड़ देना है, उस पर हमें ध्यान नहीं लगा के रखना है। ये एक छोटा सा निर्णय करेंगे कि हम इस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, इसे हम रिलीज स्टेप कहते हैं। तीसरा, हमारा मन जब भी भटकता है तो हमारे सर में, मन में, बदन में कहीं एक थोड़ा सा खिंचाव तनाव पैदा होता है। इस खिंचाव तनाव को ढीला या शांत करेंगे। ये इस खिंचाव तनाव को पहचानना और उसको ढीला या शांत कर पाना, ये बहुत ही अहम हिस्सा है इस साधना का, और आपकी साधना के प्रगति के लिए भी बहुत अहम चीज है कि ये तनाव हम पहचान पाए और इसको शांत कर पाए। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है जिसे रिलैक्स स्टेप कहते हैं। चौथा स्टेप है री स्माइल। जैसे मैंने कहा था, मुस्कुराना इस पूरे अभ्यास में और इस अभ्यास के आगे पीछे हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत लाभदायक रहता है, और ये एक और चीज है जो कि हमारी प्रगति के लिए बहुत अहम है। मुस्कुराएंगे, चौथा स्टेप जिसे अंग्रेजी में री स्माइल कहते हैं। और पांचवा स्टेप है रिटर्न। वापस मंगल मैत्री की भावना अगर हम अपने आप को भेज रहे थे तो हम भेजेंगे, अगर अपने मित्र को भेज रहे थे तो उन्हें वापस भेजेंगे। छठा स्टेप है रिपीट, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई विचार आता है तो ऐसा है कि उसको एक बार में हमने पराजित नहीं करना है, वो दोबारा विचार आ सकता है। तो दोबारा यही 6 स्टेप हम लेकर वापस हम अपने ध्यान को लेके आएंगे। पहचानना, उस विचार को रहने देना, अपने मन में खिंचाव तनाव को शांत करना या ढीला करना, दोबारा स्माइल करना, मुस्कुराना, वापस अपने ध्यान को मंगल मैत्री की भावना पर लेके आना, और जैसे आवश्यकता हो रिपीट करना। ये हमारे 6 स्टेप है। तो ये हम अभ्यास अब करेंगे। पहले एक मुस्कान शुरुआत में ही लेके आइए। अभी मैं घंटी बजाऊंगा और आधा घंटा पूरा होने पर दोबारा घंटी बजाऊंगा, जिसके बाद हम प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे।
देर से आंखें खुले। हाँ, तो अब हमारा आज के लिए अभ्यास खत्म हुआ। तो थोड़ा एक मैं निवेदन करूंगा कि सब अपना वीडियो ऑन करें। हेलो, हाय। तो एक छोटी टिप्पणी है, जिन्होंने वीडियो ऑन रखा था, कि एक तो मैं देख पा रहा था कि थोड़ा हिल रहे थे आप लोग। तो बिल्कुल स्थिर बैठना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हम हिलते हैं तो हमारा मन जितना गहरा जा रहा होता है साधना में, वो थोड़ा वापस वो अस्थिर हो जाता है मन। एक ये जरूरी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सबको थोड़ा और मुस्कुराने की आवश्यकता है। आदत रहती नहीं है आज के डेट पर, मतलब सबको स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, सब रेस दौड़ रहे होते हैं, तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। तो बस एक और निवेदन है कि सब अभ्यास के दौरान तो मुस्कुराना ही है, और बाकी दैनिक जीवन में भी मुस्कुराते रहें। तो आप थोड़े सवाल पूछ सकते हैं जो आपको अभी अनुभव हुआ अभ्यास का, उसमें क्या अड़चनें आई, क्या समझ में नहीं आया कुछ इस अभ्यास के बारे में, स्थिर बैठने में क्या तकलीफ आ रही थी, या मुस्कुराने में क्या तकलीफ आ रही थी, या रुचि कम हो रहा था अगर मंगल मैत्री भेजने में, तो आप इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। मैं कह रहा था कि जब अपन ने जो पोस्चर सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं तो नॉर्मली हम स्ट्रेट करके बैठते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है हमारी पोजीशन। तो जब हम अवेयर होते हैं कि हम झुक गए हैं तो क्या उसे सीधा करना उचित है या उसी हाँ, पोजीशन? कर सकते हैं, लेकिन आराम से, झटके से नहीं करेंगे। बहुत हल्के से, अगर धीरे धीरे आप सीधा करेंगे, और जिस जहाँ पे आप शुरू शुरू में बैठे थे उसे थोड़ा और पीछे कर सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल आगे झुकने के पहले आप वो झुकने की जब प्रक्रिया शुरू हो तो आप पकड़ सकें उसको। बैठते समय एक दो चीजें आरामदायक रहती हैं। एक तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जिनको जमीन पर या गद्दे पर सुखासन में बैठने या पद्मासन में बैठने की आदत ना हो, तो कुर्सी पर बैठें। और कुर्सी पर बैठते समय एक छोटा सा तकिया या तौलिया रोल कर, अगर आप अपने पीठ के निचले हिस्से पर उसका सहारा लें तो थोड़ा पीठ सीधा रखने में आसानी होती है। दूसरा, अगर आपके गर्दन में खिंचाव आ रहा है, आपके हाथ आपके गर्दन और कंधे को नीचे खींच रहे हैं, तो अपनी गोद में एक छोटा तकिया रख सकते हैं। और ये आपका जो घुटना है, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपका घुटना आपके कमर के सीध में होना चाहिए, मतलब कमर से ना उठा हुआ होना चाहिए ना झुका हुआ, क्योंकि इससे आपके कमर और पीठ पर जोर पड़ता है। तो ऐसे करेंगे थोड़ा, मतलब ये एक आगे जब झुक जाए
गर्दन, तो उसको धीरे से वापस आना ठीक है, लेकिन हाथ पैर हिलाना और कुछ हरकत करना, उससे आपका थोड़ा जो आधा घंटा लग जाता है, हमारे मन में इतनी चीजें चल रही होती है दैनिक जीवन की, तो आधा घंटा वो शांत होने में लग जाता है, खासकर जब अभ्यास शुरू कर रहे हो, तो इसलिए स्थिर रहना उसमें बहुत आवश्यक रहता है, वरना वो जो गहराई हम पहुंच सकते हैं वो नहीं पहुंच पाते। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? सर जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, आपने कहा कि ये जो लाइनें हैं जो अपन मेत्ता भेज रहे हैं उसको मंत्रों की तरह नहीं दोहराना। हाँ जी। हाँ, तो फिर अगर हम इन बिटवीन किस पर ध्यान दे, मतलब सांस पर ध्यान दे क्या? नहीं, जो हम एक सुखद प्रसंग याद करते हैं, एहसास याद करते हैं, जैसे किसी हम अपने बालक के साथ हों या मित्र के साथ हों और बिल्कुल आनंद और शांति का एहसास हो रहा हो, तो ये जो एहसास है, ये जो भाव है, ये हमने भेजना है ठीक है। इस भाव को थोड़ा सहारा देने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं शांतिपूर्वक रहूं, लेकिन ये जो भाव है ये हृदय में रखकर ये अपने आप को भेजना, अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजना, ये हमारे मतलब साधना का साधन है। तो ये भाव भेजना है हमने, और जैसे ही अगर ये भाव थोड़ा हल्का हो जाए तो फिर हम वो प्रसंग याद कर सकते हैं, फिर हम वो शब्द दोहरा सकते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं शांतिपूर्वक रहूं, संतुष्ट रहूं, सुखी रहूं, ये सब उस एक सहारा है उस भाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया आपने। आज की साधना बड़ी अच्छी हुई, मतलब बहुत शांत और हल्का हल्का सा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद ये समय निकालने के लिए। जी जी, अंशुमन जी, आपने ये पहली बार अभ्यास करा? हाँ जी, हाँ जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं पहले करता रहता था, मैं 10-10 मिनट का, आधा घंटा, एक घंटा आनापान काफी करता हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बस इसमें दो अंतर हैं, एक तो हमारे जो साधन है या वाहन है हमारी साधना का वो मंगल मैत्री है, तो ये एक अंतर है। दूसरा अंतर है जो हम 6 चयन या स्टेप में हम ध्यान अपना वापस लेके आते हैं, तो इसमें खासकर जो रिलीज और रिलैक्स स्टेप है और जो स्माइल है वो इस साधना के बहुत अहम हिस्से हैं, और यही एक बहुत बड़ा अंतर लाते हैं जो कि हमारी प्रगति में मदद करते हैं। मुझे बहुत मजा आया, और आगे आपका सेशन होगा तो वापस भी करेंगे। हर संडे है, अभी पहले एक दो सत्र हम बस चाह रहे थे कि लोग आए, थोड़े बहुत बेसिक मेडिटेशन प्रैक्टिस के अपने साधना में जो दिक्कतें आती हैं, अड़चनें आती हैं, इसके बारे में लोगों के जो भी संशय हो वो दूर कर सकें, और आगे जाते हुए कैसे हम इस साधना से अपनी स्मृति, अपनी माइंडफुलनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उससे हमारे जीवन में अंतर आता है, कैसे वो हम दैनिक जीवन में लेकर जा सकते हैं अपने साथ, इस पर चर्चा करेंगे आगे के सत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नहीं, सबको सब समझ में आ गया? राजू जी,
मेरा नाम सावन है, मैं फर्स्ट टाइम आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ। माधु जी रिकमेंड किए थे। आप थोड़ा एक बात बताओ कि जैसा अपना डेली एक्टिविटीज़ में 6 आवर्स इफेक्टिवली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करिए। तो एक मैं थोड़ी स्मृति के बारे में या माइंडफुलनेस के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करूंगा, उससे फिर हम दैनिक जीवन में कैसे इसका फायदा हो सकता है ये बताऊं। तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान होता है वो हमारा ध्यान हमें उसका सबसे पहला काम होता है हमें जीवित रखना। तो इसलिए हमारा ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर सारे टाइम भटकते रहते हैं। आज हम एक मतलब मॉडर्न सोसाइटी में एक हम बहुत आराम की और सुरक्षित जीवन बिताते हैं, लेकिन पहले जानवरों को ले लो या पुराने समय के मानव को ले लो तो उसके आसपास हमेशा जीवन का खतरा होता था। तो हमारा ध्यान हमेशा एक चीज से दूसरी चीज पर भटकता था कि कहीं कहाँ मुझे खतरा हो सकता है या कहाँ मुझे खाना मिल सकता है। ऐसा नहीं था कि 3 वक्त की रोटी गारंटीड मिलेगी, ढूंढना पड़ता था। तो इसलिए हमारा ध्यान का जो स्वभाव है वो है कि एक चीज से दूसरी चीज पर भटकना। तो आपका ध्यान एक चीज पे यहाँ होता है, फिर दूसरी चीज पे चले जाता है, फिर तीसरी चीज पे चले जाता है। इस और जिस चीज पर हम अपना ध्यान टिका कर रखते हैं तो वो चीज हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इस स्मृति में इस साधना में एक चीज हम सीख रहे हैं, एक तो मंगल मैत्री, जैसे जो ब्रह्म विहार कहते हैं, 4 भावनाएं मंगल मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, तो जिसको अंग्रेजी में लविंग काइंडनेस, कंपैशन, जॉय और इक्वानिमिटी कहते हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं कि हम कैसे अपने ध्यान को एक ये ब्रह्म विहार या एक मंगल मैत्री में हम रख सकें, और जैसे ही हमारा ध्यान भटकता है तो हम शिक्षार करके वापस लाते हैं। यही चीज दैनिक जीवन में भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा ध्यान तुरंत भटक जाता है किसी और चीज में। क्लास में बैठे हैं, मतलब पाठशाला में सबने ही अनुभव किया होगा कि बैठे हैं थोड़ी देर में, ना टीचर है ना सहपाठी है, बस हमारा ध्यान कहीं क्रिकेट के मैच में चला गया, किसी गाने में चला गया, किसी पिक्चर में चला गया, तो हमारा ध्यान भटकते रहता। इस साधना से हम अभ्यास जो करते हैं इससे हम सीखते हैं एक तो ये समझना कि हमारा ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर कैसे भटक रहा है, और न केवल ये देखना हम सीखते हैं पर ये याद रखना सीखते हैं। इसीलिए इसको स्मृति कहते हैं। ये याद रखना सीखते हैं हम कि हमारा ध्यान कहाँ है और कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस चीज से हम परिचित हो रहे हैं कि हमारा ध्यान जो एक चीज पर है और एक चीज से दूसरी चीज पर जा रहा है, इस चीज को सीखना हम इस अभ्यास में सीखते हैं। और यही हमने दैनिक जीवन में भी रखना है कि एक हमारी स्मृति, हमारी माइंडफुलनेस अगर हम बढ़ाते हैं तो जैसे ही हमारा ध्यान भटकता है, हमें रिकग्नाइज जब हम करते हैं, जब हम समझते हैं कि हमारा ध्यान भटक गया है, तो उसको धीरे से हम अपने 6 आर के जरिए वापस, या तो मंगल मैत्री की भावना, अगर आप कुछ ऐसे साधारण काम कर रहे हैं कि कपड़े धुल रहे हैं, खाना बन रहा है, या बर्तन धुल रहे हैं, सैर पर चले हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, तो उस समय सारे समय हम मंगल मैत्री की भावना रख सकते हैं और उस पर हम अपना ध्यान वापस ला सकते हैं। इससे हमारी स्मृति बढ़ती रहेगी। या फिर कोई कार्य हम अगर हम कर रहे हों तो उस कार्य में जैसे ही उससे हमारा ध्यान भटकता है तो हम उसको वापस ला सकते हैं, बिना उससे लड़े, बिना उससे नाराज हुए, बिना निराश हुए कि हमारा ध्यान भटक गया, ये पहचानना और उसको एक नियमित रूप से वापस लाना, इस चीज का अभ्यास होता है। बाकी एक खासियत है जो मंगल मैत्री की साधना हम करते हैं
तो उसमें एक तरह से, और या ब्रह्म विहार की जो हम साधना करते हैं, इसमें एक तरीके से तीनों जो मुख्य हिस्से होते हैं, दान, शील और भावना, एक हम मंगल मैत्री जब किसी को भेजते हैं, अपने आप को भेजते हैं, अपने मित्र को भेजते हैं, अपने आसपास लोगों को भेजते हैं दैनिक जीवन में, तो एक तरीके से ये दान हो गया। दान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को पैसे का दान करें, अपनी विनम्रता का, अपनी मंगल मैत्री की भावना का भी दान कर सकते हैं। दूसरी चीज है ये जो चार ब्रह्म विहार है, ये हमें अपनी शीलता मेंटेन करने में मदद करते हैं कि जब हम मंगल मैत्री की भावना को बढ़ाते हैं, इस भाव को जब बढ़ाते हैं, तो हमें दूसरों की तरफ एक घृणा या द्वेष, इस तरीके के एहसास नहीं हो, तो हम धीरे धीरे एक हमारी शीलता को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही चारों ब्रह्म विहार में है कि अलग अलग चीजें जो हमारी शील भंग कर सकती हैं, इन चीजों ये जैसे हम भावना बढ़ाते हैं, ब्रह्म विहार के भाव जब जैसे बढ़ाते हैं, तो ये शील भंग होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो दान, शील, भावना, ये तीनों चीजें ये मंगल मैत्री की साधना में जुड़े हुए हैं। तो दैनिक जीवन में बस यही करिए। अगर कोई साधारण कार्य करें जिसमें बहुत ज्यादा आपको मानसिक शक्ति नहीं लगानी है, आपको कैलकुलस नहीं करना है, रॉकेट साइंस नहीं करना है, तो मंगल मैत्री अपनी बरकरार रखें, और जैसे आपका ध्यान भटकता है तो वापस ले आए। आप देखेंगे जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, तो उसमें या पैदल चल रहे होते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल अपना दिमाग लगाते नहीं, हमारा दिमाग कहीं और ही भटक रहा। इस समय आप मंगल मैत्री भेज सकते हैं, या के कोई जो कार्य ऐसा हो जिसमें आपकी मानसिक क्षमता का प्रयोग हो, एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, तो उसे आप अपनी साधना का वाहन बना लें उस समय के लिए, और जैसे आपका मन भटके तो वो पहचान कर शिक्षार्थ के जरिए वापस ले। खासकर अगर आपको ये चीज सारे समय याद ना हो, खासकर आप जब उत्तेजित हो जाए, आपके अंदर कोई उत्तेजना हो, तो उस समय भी आप तुरंत शिक्षार के जरिए आप मंगल मैत्री पर वापस आएंगे, तो आपको उस विचार, उस एक जो मझधार में आप फंसे होते हैं, उससे आप आराम से वापस आ पाएंगे, हंस पाएंगे कि कैसे मैं खो गया एक विचार में, मेरा अहंकार कैसे बढ़कर वो विचार बन गया, ये पहचान पाएंगे और वापस आ पाएंगे, उस पूरे प्रसंग पर हंस पाएंगे अपने मन ही मन, और शील पूर्वक तरीके से आप अगला कदम ले पाएंगे। थैंक यू राजीव जी। संक्रमण ध्यान या वॉकिंग मेडिटेशन कैसे करना है? हाँ जी, ये एक चीज है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है डॉक्टर साहब ने, और जो वॉकिंग मेडिटेशन है, ये एक बहुत अच्छी साधना है जिससे आप, ये आपकी स्मृति जो है, माइंडफुलनेस जो है, इसको आप केवल आप जो सिटिंग मेडिटेशन में करते हैं उसके बाहर आप अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं। तो इसका अभ्यास करने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय ले लेंगे। ऐसी कोई जगह चुनेंगे जो आपसे, जिससे आप परिचित हों, कि ऐसे मतलब रोड के बीच में नहीं, या जहाँ पे बहुत हलचल हो रही है ऐसी जगह नहीं, कोई पार्क हो या आपकी बालकनी हो या कोई मतलब रेजिडेंशियल रोड हो, घर घर के आसपास कोई सड़क हो जहाँ ज़्यादा गाड़ी वाड़ी नहीं चलता, तो वहाँ पे आप चलेंगे। एक
तीव्र गति से चलेंगे, बहुत आराम आराम से नहीं चलेंगे, थोड़े जो आप नॉर्मल जैसे आप किसी काम के लिए चल रहे हो थोड़ी फुर्ती से, तो ऐसे चलेंगे। आपकी नजर होगी आपसे 6 से 8 फुट आगे जमीन पर, आप ऊपर रखेंगे आपको ज्यादा चीजें दिखेंगी, ज्यादा आपका मन और आपका ध्यान भटकेगा उससे। आगे देखते हुए आपने चलना है और चलते समय वही मंगल मैत्री की भावना आप अपने मित्र को भेजते चलेंगे। ये आप जैसे अपना सिटिंग मेडिटेशन, आप जो साधना बैठकर साधना जो करते हैं उसके तुरंत बाद आपके मन में वो मंगल मैत्री का भाव भी अच्छी तरह बढ़ गया होता है, उसके तुरंत बाद भी उठ के कर सकते हैं, ये सबसे फायदेमंद होता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो और किसी समय 15 मिनट लीजिए, 6 से 8 फुट नीचे अपने अपने आगे जमीन पर नजर रखिए और मंगल मैत्री की भावना अपने मित्र को भेजिए और सिक्स आर्स का प्रयोग करिए जैसे आवश्यकता हो। और इसको करने का आसान तरीका होता है कि 20-30 फुट का कोई एक फासला आप देख लें जहाँ पे आपको कोई अड़चन नहीं होगी, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही होगी, उसमें आप आगे पीछे चल सकते हैं 15 मिनट के लिए और सारे टाइम आप मंगल मैत्री भेजते रहें। तो अभ्यास के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि 2 बार दिन में बैठकर साधना करें और कम से कम 1 बार चलते हुए साधना करें। ये जो चलता है संक्रमण साधना जो आप करेंगे तो ये आपके दैनिक जीवन में भी मंगल मैत्री भेजने और अपने स्मृति को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। मिलिंद जी आप कोई सवाल पूछ रहे थे, पूछिए। ऐसा होता है कि किसी दिन मैत्री की जो भावना है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और उसके नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि उस टाइम सिर्फ सिक्स आर ही रिपीट करना होता है, पर मन इतना मतलब ये हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो 2-3 कारण हैं। एक तो हर बार जब आप बैठेंगे तो आपका आपके जो संस्कार हैं वो सारे समय बदलते रहते हैं, आपके कर्म भी बदलते रहते हैं, तो ऐसा है कि हर बार जब आप बैठेंगे तो आपका अनुभव अलग होने की पूरी पूरी संभावना है। एक ही दिन में आप 2 बार बैठेंगे, हो सकता है एक बार बहुत शांतिपूर्वक जाए, एक बार बहुत हलचल हो मन में, आपको बस ये एक नियम बना के रखना है कि हर बार जब मन भटक जाए तो बिना निराश हुए बिना नाराज हुए वापस लेके आना सिक्स आर के जरिए। इस पे एक आप ये हर बार जब सिक्स आर करते हैं तो आप ये आपकी स्मृति की ओर स्मृति और बढ़ती है। जैसे व्यायाम करते हैं उसमें दंड बैठक लगाते हैं, तो एक और ये हर बार सिक्स आर का आप करें तो ऐसा मान लीजिए एक और दंड बैठक लगा रहे हैं, आपके आगे के लिए क्षमता बढ़ती जा रही है, आप अपने बैंक में डाल रहे हैं एक सिक्स आर का चेक डाल रहे हैं, तो वो आगे आपके जरूर काम आएगा। आपका बस यही काम है, निराश नहीं होना नाराज नहीं होना, हमारा स्वभाव है कि मन भटकेगा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम स्थिरता लाते हैं उसे बढ़ेगा। दूसरी चीज इसके लिए बहुत जरूरी है अपने हमारे जो पंचशील का पालन करना। तो पंचशील क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से काफी सब यहाँ पे लोग परिचित होंगे लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। सबसे पहला शील है कि कोई हिंसा का कार्य नहीं करना, किसी प्राणी का जीवन नहीं लेना, सबसे पहला शील है। दूसरा शील है कि जो हमें दिया ना जाए वो चीज नहीं लेनी, अथवा मतलब बहुत ही सरल भाषा में कहेंगे चोरी नहीं करनी, लेकिन जो चीज ऐसे सिर्फ चोरी की बात नहीं हो, जो चीज हमें दी नहीं जाती, ऐसे भी हो सकता है कि क्रेडिट ले रहे हैं हम किसी चीज का, तो जो चीज हमें दी नहीं जाती वो नहीं लेंगे।
तीसरा शील है कि कोई गलत यौनिक प्रक्रिया में नहीं हम शामिल होंगे, मतलब रॉन्ग सेक्सुअल एक्टिविटी, मेरी ट्रांसलेशन में कमी हो सकती है तो इसमें हम भाग नहीं लेंगे। चौथा, झूठ नहीं बोलना है, किसी और की बुराई नहीं करनी है या ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे और लोगों के बीच में मुसीबत बने, दिक्कतें आए, उनके बीच में लड़ाई नहीं करवानी है, किसी और की पीठ पीछे निंदा नहीं करनी है, किसी के ऊपर गुस्से से बात नहीं करना, झूठ नहीं कहना, ये चौथा शील है। और पांचवा शील है कि नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करना, जो आपके मन की स्थिरता, जो आपकी स्मृति को ढीला कर दें, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना। ये पांच शील है, ये पंच शील का पालन करेंगे। और खासकर मतलब जैसे पांचवा और तीसरा शील फिर भी आसान होता है इससे दूर रहना, लेकिन अपने कई बार हम पुरानी आदतों के और हिंसा से भी बचना उतना मुश्किल नहीं होता, पर सबसे ज़्यादा मैं जितना मैं लोगों में देखता हूँ तो एक तो वो चीज़ लेना जो दी नहीं जाए, हमेशा अपने सावधान रहना है कि कोई चीज़ ऐसी लेनी नहीं है जो दी नहीं जाए। इसलिए मैंने कहा कि चोरी बहुत सरल तरीका है बोलने का, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो कि शायद चोरी ना कहें लेकिन इस शील को भंग करती हैं। और चौथी चीज़ जो है सबसे मुश्किल, कि कभी झूठ नहीं कहना, कभी किसी से गुस्से से बात नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है और ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे दूसरों में लड़ाई हो जाए। ये बहुत इस पे बहुत गौर देना पड़ेगा, बहुत सावधानी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप आपकी साधना बढ़ेगी तो ये चीज़ें बहुत ही आपके लिए स्वाभाविक हो जाएंगी, कि आप चाहें तो भी ये शील भंग नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसे एक दीवार को तोड़ के निकलने जितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये चीज़ करना। तो ये एक और ज़रूरी चीज़ है जिससे हमारे साधना में अड़चने कम आए, तो मन ज़्यादा स्थिर रहता है, कम हलचल होती, ये भी आपके बहुत काम आएगा। लेकिन कभी भी बैठे हैं आप और हलचल ज़्यादा हो मन में तो उससे निराश नहीं होना है, ये बस आप एक एक करके, बस आप शिक्षा करते करते आप अपनी स्मृति की शक्ति बढ़ा रहे हैं। सर एक चीज ये पूछना था, नहीं लेना तो जैसे कि लाइन थोड़ा बीच में कुछ आवाज आई थी, हाँ वो मैसेज आ गया सर। तो मैं कह रहा था सर कि जैसे किसी की वस्तु या किसी का सामान नहीं लेना, जैसे आज का जो समय है इंटरनेट का, जैसे कि हम इंटरनेट पे कुछ चीजें पढ़ते हैं जो हमें पसंद आती है या उनको उसको कॉपी पेस्ट करना और अपने पास रखना, क्या ये इसमें सील भंग होना है या ये नॉर्मल रूटीन में है, इसे कैसे आप स्पष्ट करें? अब विकिपीडिया तो जैसे वो मतलब पब्लिक सोर्स है, उससे आप ले सकते हैं चीजें, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज आपको मतलब ये आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, थोड़ा आप अपना जजमेंट यूज करिए, ठीक है। और जैसे मतलब बुक्स या मूवीज, इनकी पायरेटेड कॉपीज होती हैं, ये एक चीज है, मतलब आप भी जब वो डाउनलोड करेंगे या देखेंगे तो आपको अंदर ही अंदर एक गिल्ट का एहसास होगा। तो ये जो चीज है ये हमारे मन में बैठ जाती है, आगे जाके हमें यही अड़चने पैदा करती है। तो आपको कोई चीज मतलब एक सड़क पे पड़ा हुआ नोट भी उठाना, जैसे आपको वो दिया नहीं गया, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी छील भंग करती हैं, तो इसमें सावधानी जरूरी है। पर ये ऐसे
ये एक बहुत एक निजी चीज होती है, आपको अपने आप से अपनी खुद की समझ धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरह नहीं है कि मतलब हर चीज का एक सही और गलत लाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोविजंस होते हैं, लॉज होते हैं, वैसा नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे आप खुद ही समझेंगे कि कौन सी चीज करने से आपका शील खुलेगा। ये अपने आप को समझना बहुत बड़ा मकसद है, रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं करना। ये किसी ने कह दिया कि ऐसे नहीं करना है तो वो फॉलो करने की बात नहीं है। आप धीरे धीरे आप खुद अपनी जीवन में देखेंगे कि जैसे जैसे कब जब जब ऐसा कोई प्रसंग आता है जब आप अपने शील भंग करते हैं तो उसका तुरंत आपके साधना में और आपके जीवन में उसका परिणाम आपको मिल जाए। तो जैसे जैसे अपने आप को समझेंगे तो खुद ये चीजें बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या शील पूर्वक तरीका है किसी भी सिचुएशन में एक्ट करने का। धन्यवाद। ये जो शील पालन होता है या शील भंग होता है, इसमें मन का इंटेंशन यानी चित्त की चेतना या मन का हेतु, इसका कितना महत्व है? हाँ जी, तो ये यही चीज जो हम गिल्ट की बात कर रहे थे, तो आपकी जो इंटेंशन है, इंटेंशन को कैसे कहा आपने डॉक्टर साहब? चेतना, चित्त की चेतना। तो हाँ, चित्त की चेतना जो आपका इंटेंशन है कि आप क्या सोच के एक कार्य कर रहे हैं, जिससे ये बहुत जरूरी है कि आप चलते चलते आपसे अनजाने में चींटी को कुचल दिया आपने। ये कई लोग नॉनवेज खाने के बारे में भी सोचते हैं कि क्या ये सही है खाना या गलत खाना, क्या मेरा शील भंग होगा। तो सबसे जरूरी तो ये है कि आप धीरे धीरे अपने आप से परिचित हों कि आपके इंटेंशन कैसे हैं। और इसमें भी कई लोग ऐसे देखा जा सकता है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी कि उस प्राणी को मारा जाए, आपने अपने हाथ से, मतलब जैसे हिंसा वाला जो शील होता उसका गौतम बुद्ध ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जहां आपकी इंटेंशन हो, जहां आप चाहते हो कि उस प्राणी को नुकसान पहुंचाने का, हिंसा करने का, आप उस औजार को का प्रयोग करते हो और आप उस औजार का प्रयोग, कोई औजार का प्रयोग करके उस प्राणी की जान लेते हो, तो इससे आपका शील भंग होता है। तो शील भंग में यही है कि हम जो भी कभी गलत काम करते हैं और सोच समझ कर, जानबूझकर करते हैं, ऐसे नहीं कि अज्ञान तरीके से ये हो गया, अज्ञात तरीके से हो गया हमसे या बिना किसी हमें पता अनजाने में, अनजाने में हो गया, तो इससे हमारा शील भंग नहीं होता। जानते हुए अनजान बनने में शील भंग जरूर होता है। मतलब मन का भाव या मन का हेतु ये महत्वपूर्ण है। और कोई सवाल? ये जो छह पायदानों का व्यायाम है, ये भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग में कहाँ आता है? राइट एफर्ट जिसे कहते हैं, मुझे याद करने दीजिए, सम्यक व्यायाम। तो इसके बारे में जरा फिर से विस्तार से समझाएंगे कि
छह पायदाने कैसे कैसे है फिर से एक बार हम समझना चाहे। छह पायदाने हैं जब हमारी साधना का जो वाहन होता है, जो इस साधना में हमारे लिए मंगल मैत्री की भावना है, या तो हम स्वयं को भेज रहे हैं या हमारे आध्यात्मिक मित्र को भेज रहे हैं, तो जैसे ही हमारा मन उससे भटक कर किसी और विचार में फंस जाता है, सबसे पहला जो पायदान है हमारा वो है पहचानना कि हमारा मन भटक गया। इस पायदान के बाद अगला पायदान है हमारा रिलीज करना। इसका अर्थ है कि हम ये निर्णय करते हैं कि हम और ध्यान इस विचार में नहीं रखेंगे। जितनी देर हम अपना ध्यान इस विचार में रखेंगे तो हमारा ध्यान वहीं पे जुड़ा रहेगा, उससे अलग होने में उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। तो दूसरा जो हमारा पायदान है, हम ये निर्णय करते हैं कि हमारा ध्यान हम और समय के लिए इस वस्तु इस विचार में नहीं रखेंगे। तीसरा पायदान है हमारे मन में हमारे शरीर में जो तृष्णा पैदा होती है, ये तृष्णा एक तनाव खिंचाव के रूप में पैदा होती है हमारे मन में। जैसे आप बहुत स्ट्रेस में कुछ काम कर रहे हो और आपका काम खत्म हो तो एक तुरंत एक मन में एक तनाव हटता हुआ लगता है। तो ये जो तनाव होता है ये एक तृष्णा का सिम्टम होता है। तो इस तनाव को पहचानना और इसको ढीला या शांत करना, ये हमारा तीसरा पायदान है। चौथा पायदान है वापस मुस्कुराना। मुस्कुराने से ये तनाव और कम होता है और हमारा मन एक उद्धारित स्थिति में पहुंचता है, एक अपलिफ्टेड स्टेट में पहुंचता है। स्माइल करने के बाद, मुस्कुराने के बाद, ये चौथे पायदान के बाद पांचवा पायदान है कि वापस हम मंगल मैत्री की भावना अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजना शुरू करते हैं। और छठा पायदान है रिपीट। मतलब ये जो छह पायदानों का जो सिलसिला है, ये हमें जब भी हमारा मन भटक जाए हमें ये रिपीट करना है। इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि कोई जो हमारे अड़चने आती, ये जो विचार आते हैं, ये एक बार में नहीं जाएंगे, हमारा ध्यान फिर भटक सकता है। जैसे ही भटके तो हमने निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, हमने बस वापस ये पायदानों को दोहराते हुए अपने ध्यान को वापस लेकर आना है। आपने अभी कहा कि तृष्णा का लक्षण है तनाव और खिंचाव, तो ये तृष्णा क्या है जरा बता पाएंगे, तृष्णा क्या है विस्तार से? तो जैसे ही तो किस तरीके से हमारा, तो इस साधना में जो हम सीखना चाहते हैं, पहले मैंने बताया कि जैसे हमारा ध्यान है एक चीज पर होता है, दूसरी चीज पर जाता है, तीसरी चीज पर जाता है, तो हम अपने मंगल मैत्री भेजने पर हमने ध्यान रखा हुआ है। उसके बाद किसी विचार में जब फंस जाता है कि हम किसी काम की चीज के बारे में सोचने लगे, दैनिक जीवन के बारे में किसी चीज के बारे में सोचने लगे, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा ध्यान तुरंत ऐसे यहाँ था और यहाँ पे आ गया। एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिससे ये ध्यान हमारा भटक के दूसरी जगह पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी टिप्पणी करूंगा मैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो पहला स्टेप होता है इसे कहते हैं स्पर्श। तो स्पर्श कैसे होता है कि जैसे कोई ऐसा मानिए कि जैसे आम दैनिक एक साधना करते समय साधकों के लिए, काफी साधकों के लिए यही परेशानी होती है कि हमारे आसपास शोर मच रहा है। तो ये स्पर्श के लिए मैं एक ध्वनि या एक शोर का उदाहरण दूंगा कि एक हमारा कान है जो एक हमारा सेंस ऑर्गन है, एक हमारे अंदर सुनने की शक्ति होती है, जो सुनने का विज्ञान उसे
कह सकते हैं, क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं कि आवाज आ रही है और वो हमारे मन तक पहुंच रही है, लेकिन हम उस आवाज को समझने की भी क्षमता रखते हैं, एक आवाजों में अंतर, अलग अलग आवाजों में अंतर करने की क्षमता रखते हैं, तो इसे हम विज्ञान कहते हैं। तो जब हमारा कान एक ध्वनि और ये जो सुनने की हमारी क्षमता है, जो सुनने का विज्ञान है, ये तीनों जब साथ में आते हैं तो इसको हम स्पर्श कहते हैं। तो जैसे ही स्पर्श होता है तो एक वेदना उत्पन्न होती है। ये सुनने की एक वेदना है, एक फीलिंग है, ये या तो प्लेजेंट हो सकता है, ये सुखद हो सकता है, या परेशान करने वाला हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जिस जो ना ही सुखद है ना आपको परेशान करने वाला वाली वेदना हो। तो ये वेदना आती है, इस वेदना के बाद हमारी तृष्णा आती है। तृष्णा में पहली बार अभी तक जो भी हो रहा था इसमें आपका कोई योगदान नहीं था, आपका कोई रोल नहीं था। तो तृष्णा जब उत्पन्न होती है तब आप कहते हैं कि ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तो ये जो इस प्रक्रिया में जैसे हमारे तृष्णा आती है, वहां से हम हमारा अहंकार उसके अंदर घुसने लगता है, ये मुझे पसंद नहीं है। फिर इसके आगे कहानियां बनती हैं हमारी कि ये क्यों नहीं पसंद है, क्या सोचता हूं मैं इसके बारे में। ये जैसे आपके पड़ोसी का कुत्ता भौंका, ये ध्वनि आई आपके, तो आपने सबसे पहले वो वेदना आई कि ये मेरे लिए परेशानी वाला है, मेरी साधना भंग कर रहा है। आपने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं, फिर आपका मन कहानियों में चले जाता है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे पड़ोसी अपने कुत्ते बाहर ना भेजें, वो शोर मचाते रहते हैं हमेशा, पड़ोसी हमारा बहुत नासमझ है, ऐसे कहानियों में आपका मन चले जाता है। तो ये जो मन के भटकने का है सिलसिला है, ये इसका एक जो आधार होता है, जो उसका फाउंडेशन होता है, वो है तृष्णा। तृष्णा कहता है कि ये मुझे नहीं पसंद है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था, हमारा ध्यान हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये तृष्णा कहता है कि जो मुझे पसंद है वो मुझे चाहिए। तृष्णा कहता है जो मुझे नहीं पसंद है वो मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो मुझसे दूर होना चाहिए। तो तृष्णा के बलबूते पर हमारे विचार और हमारा अहंकार और बढ़ते रहता है कि मेरा पड़ोसी ऐसा क्यों है, मेरे पड़ोसी ने पिछले साल क्या किया, मैं अपने पड़ोसी के लिए क्या करता हूँ लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं करता है, इस कहानी में फंस जाता है। बस शुरुआत हुई थी एक वो स्पर्श से कि एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आपके कान पर पड़ी, वहां से आपका मन, और जब तक वो तृष्णा इस पूरे मुद्दे को पकड़ के रखेगा तब तक आपको वहां से वापस आना मुश्किल रहेगा। आपका ध्यान कहीं और जाता है तब भी वो आपके अंदर एक बेचैनी, एक दुख जो है वो तृष्णा के बलबूते पर ही पूरा वो दुख उत्पन्न होता है। ये तृष्णा का लक्षण है तनाव, जो हमारे मन में हमारे बदन में आता है। जैसे हम इस साधना में रिलैक्स स्टेप का प्रयोग करते हैं और फिर स्माइल का प्रयोग करते हैं, ये दोनों जो पायदान है ये इस तृष्णा को कम करते हैं ताकि हमारा मन स्थिर रह सके। और ये जो एक विचार था जिससे दुख उत्पन्न हो रहा था, उस विचार से हम दूर आ सके वापस। राजीव जी, ये जो तृष्णा का लक्षण तनाव और खिंचाव है, वो पूरे बदन में कहीं भी पैदा हो सकता है या किसी शरीर के किसी विशिष्ट अंग में ज्यादा होता है? ज्यादातर ये आपके दिमाग के, जो आपका दिमाग होता है इसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन आपने सुना होगा, और उसके आसपास एक थैले जैसा होता है जिसे मेनिंजीस कहते हैं। तो ये जो थैला होता है ये आपके, जब तक एक चीज कोई चीज है और उसमें हमारे उस प्रक्रिया में हम वहां पहुंच गए कि ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तो उस
पॉइंट से हमारा जो ये मेनिंजीस होता है, ये हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों के उसके अराउंड कस जाता है ये थोड़ा, तो वहां से तनाव पैदा होता है और जब तक हम एक इस विचारधारा को छोड़ नहीं पाते तब तक वो तनाव बना रहे। तो ये तनाव सबसे ज्यादा आपको आपके दिमाग के आसपास महसूस होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत वो आपके स्पाइन के जरिए, आपके गर्दन में, आपके पीठ में, आपके कंधों में भी इसका एहसास हो सकता है। पर सबसे पहले ये इसका ये उत्पन्न होता है आपके दिमाग के इर्द गिर्द। तो वहां जब आप पहचानने शुरू करेंगे तो ये तृष्णा बढ़ते जाए, आपके काबू से बाहर हो जाए, उसके बहुत पहले आप उसको और बहुत आराम से आप उसको रिलैक्स कर पाएंगे। डॉक्टर साहब म्यूट पे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से समय हो गया है, किसी और को कोई प्रश्न है क्या? सावन जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं, थैंक यू फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। राजू जी। हाँ जी, आप लीड करें डॉक्टर साहब। हाँ, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे। आप सभी मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अच्छा, सभी का धन्यवाद शामिल होने के लिए। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे इसी समय शाम को 6 बजे इसी लिंक पर। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।